वो ऊपर तक जाना है अभी मेरे को, रूट यहाँ से गया हुआ है, दिख गया मुझे वाटरफॉल हो रहा। I'm yoga teacher and also nature guide, so okay, you are yoga teacher. Yeah, I'm yoga teacher. ज़्यादा लंबी ट्रैकिंग नहीं है, छोटी सी ट्रैकिंग है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो पूरा वुडन का ही है बाहर से, इसके अंदर जो नहाता है एकदम से थकान दूर हो जाती है और चर्म रोग दूर हो जाता है। अब चलते हैं जोगनी वाटरफॉल, सो लेट्स गो। मैंने स्कूटी अपनी ही पार्क कर दी है, मेरी स्कूटी यहाँ से रास्ता गया हुआ है जोगनी वाटरफॉल के लिए। यहाँ से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर है, ट्रैक करना पड़ेगा 1 किलोमीटर का, सो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, तो चलो चलते हैं। जोगनी वाटरफॉल की ट्रैकिंग मैंने शुरू कर दी है, ये भी काफ़ी एडवेंचर ट्रैकिंग है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, मैं रिकमेंड करूँगा जोगनी वाटरफॉल की ट्रैकिंग ज़रूर करना अगर आप मनाली आ रहे हो तो, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है। व्यू देखो यार कितना प्यारा आ रहा है रास्ते में जोगनी वाटरफॉल के। वो ऊपर तक जाना है अभी मेरे को, रूट यहाँ से गया हुआ है, सो चलो चलते हैं धीरे धीरे। एंड जब भी आप कोई भी ट्रैक कर रहे हो वाटर अपने साथ रखना ज़रूर, थोड़ा थोड़ा वाटर पीते रहना, आपको एनर्जेटिक फील होगा। और स्मॉल स्मॉल स्टेप रखना है ऊंचाई पे, ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने नोटिस करी हैं। लॉन्ग लॉन्ग स्टेप रखोगे आपके पांव दर्द होंगे, आप थक जाओगे जल्दी, स्मॉल स्मॉल स्टेप लेने हैं। कई लोग क्या करते हैं यहीं से वापस हो लेते हैं, वो सोचते हैं यही है जोगनी वाटरफॉल, बट ये नहीं है, इसके ऊपर भी है, वो मैं आपको दिखाऊँगा, वो काफ़ी अच्छा है, तो कन्फ्यूज़ मत होना, यहाँ पे एंड नहीं है, इससे भी आगे है जोगनी वाटरफॉल जो मेन जोगनी वाटरफॉल है। ये तो छोटा सा वाटरफॉल है, लोग को सोचते हैं यही वाटरफॉल है, यहीं से वापस हो लेते हैं। बाकी व्यू देखो कितना अच्छा आ रहा है, ये वहीं से वाटरफॉल से आ रहा है पानी, जितना भी है बहाव काफ़ी तेज है। ये देख सकते हो मेरे पीछे मिनी जोगनी वाटरफॉल पीछे, बट ये नहीं है मेन जोगनी वाटरफॉल, ये मिनी जोगनी वाटरफॉल कह सकते हो, मेन ऊपर है, अभी ऊपर चलता हूँ। आपने व्यूज़ वगैरह तो देख लिए होंगे कितना अच्छा आ रहा है, लोग इन्जॉय कर रहे हैं पीछे मेरे, देख सकते हो आप, भी यहाँ फैमिली और फ्रेंड दोस्तों के साथ आ सकते हो, सोलो भी आ सकते हो, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी वाटरफॉल काफ़ी अच्छा लग रहा है, धूप काफ़ी इस टाइम तेज होती है, बट मज़ा आ रहा है। आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप जोगनी वाटरफॉल ज़रूर आओ अगर आप मनाली आ रहे हो तो, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। रास्ता जो है वो यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से काट के ऊपर गया हुआ है, यहाँ से जा रहे हैं लोग, ऊपर जाना है अभी, वो वहाँ तक जाना है अभी, दिख गया मुझे वाटरफॉल हो रहा, वहीं पे जाना है। पहुँच गया हूँ मैं जोगनी वाटरफॉल, यहीं सामने है मेरे, शू मैंने यहीं निकाल दिए हैं क्योंकि यहाँ फिसलने का डर है। तो आ रहा है ऊपर से वाटरफॉल, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। मेरा मेरे पीछे जोगनी वाटरफॉल देख सकते हो आप, चलो आगे चलता हूँ, आगे से आपको थोड़ा और दिखाऊंगा पास से। सो यहाँ पे एक फॉरनर मिली है मेरे को, हेलो हेलो, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज लाउरा। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम फिनलैंड। फिनलैंड, इन फिनलैंड व्हिच सिटी? Rovaniemi, it's in Lapland. It's a capital of Lapland. It's a very beautiful winter place. Okay, okay. You enjoy Jogni waterfall? I really enjoy. It's been really nice to spend time here in Manali and beautiful nature, beautiful sceneries, and the waterfall is really beautiful. Okay. It's a really nice place also for swimming. I like cold water, so yeah. Swimming was super nice. So how much day you spend in Manali? I'm spending total 4 days in Manali, and next place I'm going to Dharamshala. Dharamshala? Yes. Okay.
And what's your passion? My passion? Yeah. My passion is nature and well-being. I'm yoga teacher and also nature guide, so... Okay, you are yoga teacher? Yeah, I'm yoga teacher. Where and you can yoga teacher? I did my yoga teacher training in Rishikesh. I just graduated. Okay, okay. And in Finland, I'm building my company, which is like combining well-being and nature. And okay, okay. How much days you have spent in India? I came to India 15th of August. Okay. And I'm leaving after 2 weeks, so totally I'm here 8 weeks. Okay. You enjoyed India? A lot. A lot. Yeah, India is a beautiful place. Like, it's birthplace of yoga and also nice culture. Okay. Food. Beautiful. So, in which year first time you came to India? This is my first time in India. Okay. Yeah, never been to India before. So, first time is 2022. Yes, it's been really pleasant. Nice to meet you, Laura. Nice Laura. To meet you, Archie. ये रहा मेरे पीछे वाटरफॉल, काफ़ी मज़ा आ रहा है, देख सकते हो आप। अभी मैं और आगे चलूँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जूते वहीं निकाल दिए थे, जूते नहीं अभी मैंने पहने हुए, बिकॉज पानी बड़ा ठंडा भी है, जूते गीले हो जाते हैं, इसलिए मैंने जूते निकाल दिए वहीं पे। बाकी जोगनी वाटरफॉल में काफ़ी मज़ा आ रहा है, थोड़ी आगे और चलता हूँ। आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे, जोगनी वाटरफॉल ज़रूर आना, आई विल हाईली रिकमेंड यू, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। छोटी सी ट्रैकिंग है, ज़्यादा लंबी ट्रैकिंग नहीं है, ईजिली आप कवर कर सकते हो। तो आगे चलता हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ी और आगे चलता हूँ, थोड़ा संभल के ही चलना क्योंकि फिसलने का भी डर है। काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे जोगनी वाटरफॉल में, यहाँ पे ज़रूर आओ, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, टाइम स्पेंड करो यहाँ फैमिली और फ्रेंड के साथ। तो प्लीज़ यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़रूर शेयर कर दो, ये देख सकते हो। और आगे आ गया मैं, ये है मेन जोगनी वाटरफॉल, जो कि काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है मनाली का। पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, बाकी व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ मैं, आप भी काफ़ी इन्जॉय करोगे। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि मैं जोगनी वाटरफॉल ज़रूर आओ, ज़्यादा लंबी ट्रैकिंग नहीं है, छोटी सी ट्रैकिंग है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे जोगनी वाटरफॉल में। अब यहाँ से मैं जाऊँगा वशिष्ठ टेम्पल, जो कि 2 या 3 किलोमीटर दूर है वशिष्ठ टेम्पल। उसके बाद डे मैं कंप्लीट कर दूँगा आज का मनाली में। तो सेकंड डे आप एक कवर कर सकते हो नीचे। पहले मैं अंजनी महादेव गया, सोलांग वैली आपको दिखाई, फिर मैं गया कैफे 1947 की थर्डी है, उसके बाद मैं वशिष्ठ टेम्पल जाऊँगा, फिर कम्प्लीट कर दूँगा। तो थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा, इसके बाद नीचे मिलता हूँ मैं आपसे सीधा, जहाँ स्कूटी अपनी पार्क करी थी वहाँ मिलता हूँ सीधा आपसे। तो ठीक है फिर। सो मैं नीचे आ गया हूँ जहाँ स्कूटी मैंने पार्क कर दी थी, स्कूटी मैंने रेडी कर ली है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ वशिष्ठ टेम्पल, जो कि 4.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है जोगनी वाटरफॉल से। सो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, वहाँ कवर करके फिर मैं आज का डे कम्प्लीट कर दूँगा। सो चलिए फिर। देखो वशिष्ठ टेंपल का रास्ता इधर से कट गया है, जहाँ ये लिखा है थैंक्स टू विजिट, ये चला गया मनाली की तरफ।
इधर साइड है वशिष्ठ टेम्पल, सो इस रूट पे जाना है। मैंने गूगल मैप को लगाया है, मैंने लोकल से ही पूछ लिया सही जा रहा हूँ मैं, बाकी आप पूछते पूछते जा सकते हो। अब यहाँ से है 1.4 किलोमीटर के करीब वशिष्ठ टेम्पल, चलो चलते हैं। सो मैं वशिष्ठ टेम्पल पहुंच चुका हूँ, पार्किंग लगा दी है। पार्किंग यहाँ बहुत महंगी है, अभी तक का मैंने सबसे महंगा पार्किंग यहाँ दिया है 40 रुपीज़ पर आर। बाकी कहीं पे भी खड़ाया है, आर का कोई सिस्टम नहीं था, जितनी मर्जी देर खड़ाओ। सो यहाँ से बस वॉक करके थोड़ी सी दूर पे है वशिष्ठ टेम्पल, तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, चलो चलते हैं। वशिष्ठ जी जो थे वो राम जी के गुरु थे, सो उन्हीं पर आधारित ये मंदिर है। बाकी इतिहास कोई मिल गया तो जान लूँगा, किसी से पूछ लूँगा, चलो अंदर चलते हैं। पहुँच चुका हूँ वशिष्ठ टेम्पल, मेरे सामने ही है। शू वगैरह निकालने के लिए यहाँ बनाया हुआ है, वहाँ मैं शू निकाल लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। शू मैंने यहाँ रख दिए हैं, 5 रुपीज़ चार्ज ले रहे हैं। कितना एक्सपोज हो रहा है। अब वशिष्ठ टेम्पल के अंदर जा रहा हूँ, देखते हैं वीडियोग्राफी अलाउ करते हैं कि नहीं। अंदर वीडियोग्राफी लाओ नहीं है, मंदिर 2 से 3 बंद भी रहता है, नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है सामने, इधर साइड है टेम्पल। मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो पूरा वुडन का ही है बाहर से, जो कि काफ़ी अच्छी लुक देता है मंदिर को। तो वशिष्ठ टेम्पल मैंने देख लिया, यहाँ श्री राम जी का भी टेम्पल है, वो भी देखूँगा। वशिष्ठ जी तो थे वो राम जी के गुरु थे, सो उन्होंने यहाँ तपस्या करी थी गुरु वशिष्ठ ने, सो इसलिए यहाँ ये स्थान काफ़ी पवित्र है, वो मंदिर बन गया। बाकी हिस्ट्री मैं आपको आपके स्क्रीन के सामने आ रही होगी, आप देख सकते हो। मेरा वशिष्ठ टेम्पल का गेट बाहर आ चुका हूँ, यहीं साथ में श्री राम जी के मंदिर भी है, इधर साइड स्टेयर्स गई हुई हैं, सो मैं अभी ऊपर चल रहा हूँ। ये भी वुडन का बनाया हुआ है आर्किटेक्चर, काफ़ी अच्छा है। ये माँ तुलसी जो कि श्री राम जी को काफ़ी प्रिय हैं। काफ़ी अच्छा आ रहा है, इसकी भी सेम टाइमिंग है 2 से 3 तक बंद रहता है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, सो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकता। बाकी इसकी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से व्यू देखो कितना अच्छा आ रहा है, बादल पूरे नीचे आ चुके हैं राम मंदिर से, काफी खूबसूरत वेदर हो रखा है। एक चीज और है इस स्थान के बारे में, जो भी लोग यहाँ नहाते हैं एकदम से उनकी थकान दूर हो जाती है, और जिनको चरम रोग है उनका चरम रोग दूर हो जाता है। लेडीज के लिए अलग बना रखा है, जेंट्स के लिए अलग बनाया हुआ है, सो आप यहाँ आओ तो नहा सकते हो। बाकी पूरी हिस्ट्री पढ़नी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने दिया हुआ है पहले, आप उसे पढ़ सकते हो। यहीं साथ में शिव मंदिर भी है, ये भी 1 से 2 बंद रहता है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। पुरुषों के स्नान का ये बनाया हुआ है, देख सकते हो कुंड है, इसके अंदर जो नहाता है एकदम से थकान दूर हो जाती है और चर्म रोग दूर हो जाता है। यहाँ मैं कपड़े नहीं लेके आया, नहीं तो मैं नहा लेता, बट आप आना तो अपने साथ कपड़े लेके आना, मुझे इतना नहीं पता था कि यहाँ कोई कुंड वगैरह भी है। सो आपको मैं रिकमेंड करूँगा, आप आ रहे हो तो अपने साथ कपड़े लेके आओ और यहाँ ज़रूर नहाओ। ये इनका कोई प्रोग्राम है और है, देख सकते हो आप,
मैं निकल चुका हूँ टेंपल से, जहाँ मैंने स्कूटी पार्क करी थी वहीं पे आ गया मैं दोबारा। सो मैंने चार चीज़ें आज कवर करी। पहले मैं गया अंजनी महादेव, सेकंड मैं गया 1947 कैफ़े, एंड थर्ड गया जोगनी वाटरफॉल, फोर्थ मैं यहाँ आया ऋषि मुनीश टेंपल। काफ़ी मज़ा आया। टाइम 5 बजने वाले हैं, शाम हो गई है। सो अभी यहाँ से मैं अपने हॉस्टल चला जाऊँगा। सो आज का डे यहीं कंप्लीट करता हूँ। कल मैं और जगह जाऊँगा, वो मैं आपको कल दिखाऊँगा। सो रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।